क्या भगवान ने गलत काम किया? चोरी क्यों की भगवान ने? क्योंकि भगवान है छोटे से बाल रूप, बाल लीलाएं है ना ये, और छोटे छोटे बच्चे। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने छोटे में बचपन में चोरी की है, खाने पीने की? मिठाई चुराई, लड्डू चुराया, खेतों से अमरूद चुरा लिया, आम चुरा लिया, कितनों ने चोरी की है बचपन में? जो चोरी की है वो हाथ उठाए। मैया, भैया, सब लोग जो चोरी बचपन में किए हो वो हाथ उठाएंगे। किए हो ना चोरी? आप लोगों ने बचपन में लड्डू चुरा के खाए होंगे, गुजिया चुरा के खाए होंगे, गुड़ चुरा के खाया होगा, शक्कर चुरा के होगी, मिश्री चुरा के खाए होगा, खाए होंगे। घर में कोई बढ़िया पकवान बने और मैया ने रख दिया तुरंत चुपके से, मिठाई बनी तो चोरी से उठा के खा ली। मैंने भी बचपन में खूब चोरी करके खाया पिया है। खूब बचपन में चोरी, अमरूद चुरा लेते थे। अमरूद का सीजन आ गया ना, आम का सीजन आए तो हमारे गांव में एक सज्जन बढ़िया तार की बाड़ी लगा देते थे, लेकर कितना भी लगा घुस के दो चार आम, घर से नमक लेकर जाते थे मिर्ची, और आम बढ़िया खाते थे, अमरूद खाते थे, बी जाम। तो बचपन में हमारी माँ, अभी संक्रांति में लड्डू बनते हैं, मकर संक्रांति को क्या बनते हैं? लड्डू। हमारी माँ लड्डू बना के रख बस दे, थोड़ी देर के लिए जरा चली जाए कहीं, चुपके से घुस जाते और दोनों जेब में एक एक भरते और एक हाथ में लेते तीन, और दूर जाके खेत में कहीं पेड़ के नीचे, जब तक खब ना जाए पूरी तब तक घर नहीं आते थे, कोई सबूत ना मिले। और गुजिया का सीजन आए तो गुजिया चुरा के खाते थे। अरे हमने तो खूब बचपन में चोरी करके खाया पिया है, गुड़ चुरा कर खा लेते थे। खाने से मतलब है कोई खाने का आइटम है, रुपया पैसा नहीं चुराते थे, खाने की चीज चुराते थे। तो भगवान ने क्या किया? आप भी तो चोरी किए होंगे बचपन में। और एक बात बताएं, बच्चे यदि चोरी ना करें खाने पीने की, तो वो बाल, वो लड़कपन का कोई मजा क्या? मजे ही तब है जब ये लीलाएं हों। तो भगवान ने बाल लीलाएं की, और बालक का स्वभाव जैसा होता है, भगवान मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो मनुष्य की सारी लीलाएं कर रहे हैं जो भगवान एक मनुष्य कर सकता। आपने भी चोरी की है तो भगवान भी मनुष्य है, लीला करके करने के लिए मनुष्य बने। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो भगवान मनुष्य किसी लीला कर रहे हैं, जैसे बच्चे चुरा कर खाते हैं। अच्छा भगवान खाते क्या है? मक्खन खाते हैं, मक्खन खाते हैं, और आज के बच्चे भी टॉफी चुरा के खा लेते हैं। पता बस चल जाए कि यहाँ टॉफी रखी है, चॉकलेट रखी है, तुरंत चुरा के खा लेंगे। ऐसी भगवान ये बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान कोई चोर नहीं है, ना चोरी का कोई भाव है, ये तो लीला है, लीला है, लीला, बाल लीला है। बच्चे का स्वभाव होता ही है ऐसा, बच्चे तो बच्चे ही। भगवान ने ग्वालों की टोली बनाई और घर में घुस घुस के माखन चुराते हैं। अच्छा माखन क्यों चुराते हैं? माखन मतलब, माखन मतलब मन, संत हृदय नवनीत समाना। संत लोग बैठे हैं, संतों के श्री चरणों में दास का बारंबार नमन। ये संतों के मन को मक्खन बताया गोस्वामी तुलसीदास जी, संतों के हृदय को क्या बताया? संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय, भक्तों का हृदय, भक्तों का मन ही मक्खन है, और जिसका मन मक्खन जैसा निर्मल हो गया, भगवान उसके मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेते हैं। ये चोरी है। भगवान का एक नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? जोर से, चित्त चोर। भगवान भक्तों के चित्त को चुरा लेते हैं। भगवान वैसे चोर तो है, क्या चुरा लेते हैं? भक्तों के चित्त को चुरा लेते हैं, मन को चुरा लेते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु, गोपियां कहती हैं गोविंद हमारे यहाँ आओ, और आप हमारा भी मन चुरा लो, हमारे घर का भी माखन चुरा लो। जिनके घर भगवान नहीं जाते, जिनके घर का माखन भगवान नहीं खाते, वो गोपियां रोती और वो भाग्य मानती अपना, धन्यवाद देती भगवान का, जिसके घर भगवान माखन चोरी के बहाने आ जाते। तो भगवान तो ये लीला
केवल भक्तों को आनंदित करने के लिए कर रहे हैं। ये लीला किसके लिए है? केवल भक्तों को आनंदित करने के लिए। माखन चोरी लीला। भगवान वत्सान मुंचन क्वचित समय तो से संजात हा।